हेलो गाइस, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं भिंडी फ्राई। इसके लिए हम यहाँ पे भिंडी ले लेंगे हाफ़ के जी। इस तरह से हम भिंडी को काट लेंगे पतला पतला। इस तरह से सारी भिंडी हम कट कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमने आलू भी लिया है, आलू को भी इस तरह से पीसेस काट लेंगे पतला पतला। और यहाँ हम पतला पतला दो तीन प्याज है जिसको बारीक हम काट लेंगे। चार पांच हरी मिर्च उसको भी हम बारीक काट लेंगे। भिंडी जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था उसमें हम हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। एक कढ़ाई में हम 200 ग्राम तेल डाल देंगे। इसमें हम हरी मिर्च डाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक ये मेरा ब्राउन नहीं हो जाए। ये आलू जो मैंने काट के रखा हुआ है इस पे भी स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर थोड़ा डाल लेंगे। और हरी मिर्च जो मैंने काटा था, तीन चार हरी मिर्च, थोड़ा लाल मिर्च। यहाँ मैंने जो भुंजिया डाला था, वो जो फ्राई करने के लिए भिंडी, वो सारा इस तरह से हमने निकाल लिया है फ्राई करके। देखिए इस तरह से कितना अच्छा फ्राई हुआ है। और फिर मैं वो तेल में प्याज डाल दूंगी जो मैंने बारीक कट करके रखा हुआ था। मेरा प्याज जब ब्राउन हो जाए तब इसको हम इस तरह से ब्राउन करके इसे भी हम एक जगह निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरह से हम निकाल लेंगे। और फिर मैंने जो आलू कट के रखा हुआ था उसमें सारा जो मसाला डाला था, मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, इस तरह से हम इसे भी फ्राई कर लें। ब्राउन हो जाने के बाद जो अच्छी तरह से मेरा आलू गल जाए तब इसे भी हम निकाल लेंगे। एक प्लेट में अब देखिए मेरा सारा इस तरह से मैंने अलग अलग करके निकाल लिया है और अब इसे हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी फ्राई बनता है। आप बनाकर देखिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये रहा मेरा भिंडी फ्राई, बहुत ही टेस्टी।